नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। इस वक्त हम खड़े हैं बड़कल फ्लाईओवर के पास और आप देख सकते हैं ये होटल बालाजी है और यहाँ पर आज एक बड़ा हादसा हुआ है। एक लड़की की मौत हुई है ऊपर से गिरकर। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बात करेंगे उनसे। सर नमस्कार। और आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बात करने की कोशिश करेंगे क्या हुआ है, कैसे हुआ है। एक्सक्यूज मी सर, क्या हुआ है सर? अभी तक मेरे पास डिटेल नहीं है। अभी पुलिस प्रशासन के पास कोई डिटेल मौजूद नहीं है और लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और बात करेंगे लोगों से, जो लोग आसपास खड़े हुए हैं उन लोगों से बात करेंगे। देख सकते हैं आप पूरी यहाँ पर तफ्तीश जारी है और आगे से आपको बात करने की कोशिश करते हैं। होटल में जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपको एक बार जगह दिखा दें, इसी जगह से वो लड़का गिरा है जैसा अभी तक पता चला है। होटल श्री बालाजी है ये। जानकारी लेने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और यही वो होटल है जिसमें आज सुबह, जैसा बताया जा रहा है, एक लड़के की मौत हो गई है और अभी फिलहाल रिसेप्शन पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है किन कारणों से इसकी लड़के की मौत हुई है। और पुलिस से भी बात करने की कोशिश करी लेकिन पुलिस का भी ये कहना है कि इस बारे में अभी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। देखते हैं आस पड़ोस के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ने मौके पर देखा हो। आप यहीं रहते हैं? और चलती हुई रोड है, आप देख सकते हैं यहीं रहते हैं आप। पता है क्या हुआ? मेरा साला था वो। अच्छा, जो गिरा है। क्या नाम था? लक्की। कितनी उम्र थी? उम्र होगी उसकी 30-28 करीब। 28 साल करीब। कितने बजे हुआ है? ये करीब ये भी नहीं पता कितने बजे हुआ, मतलब रात में बैठे हुए थे उस तरीके से हुआ। आपको कब पता चला? हाँ जी, आपको कैसे पता? मेरा साला है। हाँ जी, मतलब यहाँ कैसे आए? पता नहीं, वो गया था फ्रेंडों के साथ, पार्टी वार्टी कर रहे थे। अब पता नहीं उनकी क्या दुश्मनी थी क्या नहीं थी। तो किसी ने फेंका है, किसी ने किराया या अपने आप? ये नहीं बता सकते। अच्छा, तो कुछ जानकारी आप जानते हैं? मैं पंप से हूँ, कुछ जानता नहीं हूँ, मैं खाली सुन के आया हूँ। अच्छा, आपको नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ है? अभी मुझे लगा ऐसा कि यहाँ ऐसा हुआ था, बड़ा हादसा हुआ है। लड़का, हाँ, लड़का फेंक गया ना। आप परिवार से? हाँ, मैं ही हूँ, तो आपके पास कॉल करी थी। अच्छा, क्या कैसे हुआ है? कुछ नहीं मैम, ये इतना तो पता नहीं क्योंकि मेरे पास तो कॉल आई थी थाने से ही। आप परिवार के? नाम क्या है लड़के? उसका नाम विकास है, लक्की कहते हैं उसके। मैं उनके मामा का लड़का हूँ। बता के ये निकला था कि वो जो उसके साथ था एक फ्रेंड, उसका वो लिख रहा था कि मैं उसके साथ जा रहा हूँ। उससे बात होती कि वो हम उसको लेके आ जाएंगे। लग वो कह रहे थे वीरू का मेरे साथ है, मैं 2-2.5 घंटे में आ जाऊँगा सांझ को, रात में। हाँ, 9-10 बजे वो अपनी वाइफ को लेने जाता है, तो 9 बजे उसकी कॉल आई। उसकी मम्मी ने उसको फ़ोन करा, उसके कहे कहाँ है वो वाइफ लेके आनी है ड्यूटी पे से। वो तो वो लड़का जो साथ था वो कह रहा कि भाभी बुआ तू रोहित अवैध लेना है, ये मेरे साथ है। तो हम वो सोच के हम लिया है, सोच के मैंने कोई नहीं आ जाएगा 9-10-11 बजे तक है, क्योंकि हम सो गए। तो सुबह मेरे पास फोन आया, मैं पहले तो बुआ के पास ही आया फोन। किसका फोन आया था? वो एक बीरू है, उसकी मम्मी का फोन आया था। बीरू कौन है? बीरू उसका फ्रेंड है जिसके साथ था वो, जिसके साथ था वो। हाँ जी, ये काफी सारे फ्रेंड्स आए थे साथ? हाँ, 3-4 फ्रेंड थे। क्यों आए थे? ये मुझे नहीं पता कि क्यों आया था, किस वजह से आया था। कोई पार्टी वगैरह करने आए थे या कुछ? ये कह के आया था कि कुछ जरूरी काम है, हम कहा के हम आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ये बहाना लगाया, क्योंकि बुआ के पास फोन आया था तो उन्होंने बोला कि बुआ
मतलब वीर बोला क्या बुआ, हम एक फ्रेंड है सचिन, उसका ना एक्सीडेंट हो गया है, हम उसको ना हॉस्पिटल में है लेके, ठीक है। उन्होंने बोला चल ठीक है बेटा, तो कै बजे तक आओगे? उन्होंने बोला हम 9-10 बजे तक आ जाएंगे, 9-10 ग्यारह बजे तक घर आ जाएंगे। मैं ठीक है, तो वो इतना लेट करके इंतजार सो गए कि कोई नहीं, कि फ्रेंड उनके साथ है, जब फ्रेंड है तो कोई आ ही जाएगा। तो सुबह पता पड़ा कि ये हादसा हो गया ऐसे। अच्छा, जब ये एक्सीडेंट जिसने बताया था, आप लोग को इससे सूचना कैसे मिली कि ओयो से गिर के वो उनकी मौत हुई है? क्योंकि ऐसा था, क्योंकि जो वीरू है उसकी मम्मी का फोन आया कि बीबी बालागन का पता नहीं है, थाने से फोन आया है। फोन मतलब बीरू के घर गया है? हाँ, बीरू के घर से आया के छः, वो 5:30 बजे से गायब हुआ, 6 बजे ड्यूटी जाती है ना, तो के आप आ जाओ, के हम वहाँ थाने से फोन आया, वहाँ चल रहे, तो उनको यहाँ पर बुआ और मेरी बुआ की लड़की है, वो आई यहाँ पर थाने में, उनको पता पड़ा कि ऐसी बात है, तुम्हारा लड़का एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। तो फिर मेरे पास 6 बजने में कुछ मिनट थे, तो उनका फ़ोन आया, उनने बोला क्या आप कौन बोल रहे हो? मैं विकास के मामा का लड़का बोल रहा हूँ, कभी विकास एक्सपायर हो चुका है, विकास का मर्डर हो गया, तो आप ऐसे करो यहाँ आ जाओ। फिर मैं सुबह घर से आया, मैं पापा अपने गांव बस्ती के 2-4 आदमी जोड़े, जब इसके साथ जो दोस्त थे उनसे बात नहीं करी आपने, जो इसे बुला के ले? कौन कौन थे आए थे इनके साथ, कुछ जानकारी? उनके दोस्त थे, दो गांव के थे, और एक हाँ, उनसे बात वगैरह नहीं करने की कोशिश करी आपने, जानने की कि क्या हुआ, तुम्हारे साथ था लौटा नहीं? जरूर होनी चाहिए मैम, हकीकत में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हम अगर वो है कर्न करवाना, क्योंकि ऐसा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। चल वो तो फ्रेंड है, उनकी क्या साजिश हो वो पता थोड़ी होती है मन में ही कि हमारा क्या साजिश है, वो तो जब कोई हादसा हो जाता है जब ही पता पड़ती है कि भाई ये हादसा हुआ है, नहीं तो फ्रेंड के नाते चल हम चल रहे, कोई मना थोड़ी करता। चल कोई हादसा हो गया, जो सचिन का, जो सचिन के लिए कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मना थोड़ी करा कि चल हम चल रहे एडमिट कराने उसको। तो ये जितने फ्रेंड्स थे उनका तो आपके पास है ना? हमको मैम यहाँ पर आए थे ना थाने में, जब पता पड़ी थी कि बाला जो वो है, कुछ जानकारी नहीं थी। 9-10 बजे तो मेरी बात हुई थी उससे, कह रोए थे तू इस भाभी को ले आना, मतलब ईशा को ले आना वाइफ को, और मैं 10-11 बजे तक आ जाऊंगा। मैं ठीक है, हम कोई नहीं, मैं चला गया, मैं ले आया हूँ, ये बात हुई थी। तो अभी जो दोस्त हैं जो ऐसे बुला के लाए थे, कितने दोस्त थे लगभग? मैम वो 3 थे। वो उनसे आपने बात करी है? मैम वो तो पुलिस वाले बताएंगे। वो लेकर आए थे, आपने कोशिश नहीं करी जानने? नहीं नहीं पता, क्योंकि हम जब आए थे ना तो उनको सॉरी कहा पुलिस के पास, पुलिस वालों ने भी यहीं से उठाया, तो उन दोस्तों को भी यहीं से। मैम ये भी हमको नहीं पता, क्योंकि हम तो सीधे चौकी गए थे, चौकी पता पड़े थे। आप भी परिवार? हमको तो मैम चौकी पता पड़ी थी मैम, इसलिए अभी फिलहाल उन तीनों दोस्तों के बारे में आपको नहीं पता? नहीं मैम मुझे नहीं पता, क्योंकि वो सुबह सुबह जब हम आए थे ना तो उनको क्राइम ब्रांच DLF है वहाँ पर चले गए, तो ले गए पुलिस अपने आप ले गई है। कोई फोटो है लड़के का? मैम मोबाइल आईडी में फोटो होगा, दिखाओ। और कितनी उम्र थी? 28 साल। मैं 28 से तो कहा हूँ, उसे तो छोटा ही है, 28 साल को तो मैं हूँ मैम, उसे तो छोटा ही है मैम। कितनी उम्र है? 1999, ये तो 24 साल। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, ये विकास है। कोई मोबाइल में फोटो नहीं है? ये देखो मैम, ये है वो, देख लो, देख सकते हैं फरीदाबाद आप, ये 24 साल का विकास है। और कल रात को जैसा बता रहे हैं परिवार वाले, अपने दोस्तों के साथ आया था, और यहाँ ये होटल श्री बालाजी है, ओयो होटल है, यहाँ पर आया था, और सुबह इन्हें जानकारी मिली कि वो तो कार्रवाई हो जब पता पड़ेगा कि क्या रंजिश थी, क्या साजिश थी, जो मतलब जो ऐसा हादसा हुआ है। क्योंकि कहने में तो ये आ रहा है कि ऊपर से गिर गया है, अब बिना कोई भी बिना होटल इतना बड़ा है, कोई वैसे तो ऊपर से गिरेगा नहीं, कोई छत तक पहुंचने के लिए भी कोई कारण चाहिए होगा? तो मैम कारण चाहिएगा, वो कोई जब भीतर गए होंगे सब रही तो होटल में होगा, जो 3 सीटी कैमरे में आएंगे कौन कौन गए थे साथ में, वो तो होटल वाले बताएंगे, पुलिस बताएंगे, प्रशासन बताएगी। हम तो वैसे यही है कि हमको न्याय, हमको पता पड़ जाएगा कैसे क्या हुआ था, क्यों मारा था, क्या गलती थी हमारे की, जो मतलब घर से ये बता के कुछ भी नहीं आया था, क्यों जा रहा है, क्यों? तो बस खाली ये था कि मैं वीरू के साथ जा रहा हूँ, तो 9 बजे फोन करा तो पता पड़ा कि भाई का एक्सीडेंट हो गया, सचिन का छोटी वो सॉरी केडी पुल पे रहता है, वो फ्रेंड है वो भी, तो उसको एडमिट करा रहे हैं हम, इसलिए हम लेट सेट हो जाएंगे, इस इतना ही था और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब घर से ये कह के निकले कि एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं 24 वर्षीय विकास अपने घर से निकलता है ये कहकर कि दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, उसे एडमिट कराने जा रहे हैं, और सुबह घर वालों को पता चलता है कि वो एक होटल से गिरकर एक्सपायर हो गया है, मर गया है, और अभी तक कारणों का पता नहीं चला है। साथ में जो 3 दोस्त थे उन्हें पूछताछ के लिए CIA लेकर जा चुकी है, बात करेंगे। आप यहीं रहते हैं? नहीं, यहीं देख सकते हैं आप,
और एक बार फिर से ये होटल आपको दिखा दें, यही वो होटल है, यही इसी होटल की छत से गिरकर आकाश की मौत हुई है। और आप भी परिवार से हैं? आप परिवार से? तो परिवार से नहीं है आप? मैं तो परिवार से, मेरा रिश्तेदार था, जीजा था। क्या लगता था? जीजा। फैमिली भी है इनकी, वाइफ भी है? हाँ वाइफ भी है। बात कर रही थी उस तो बात बाद नौकरा में आ जाऊँ सुबह, सुबह फोन आया था 5 बजे एस पार हो गया था वो। अच्छा, रात में मतलब वाइफ से बात हुई है? 2 बजे तक? 2 बजे तो बाइक बात हुई थी, मतलब 2 बजे तक ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी ना, है ना, दोस्तों के साथ आराम से बैठे। हाँ जी, बात बाद सुबह 5 बजे फोन आया था, सब सो रहे थे, बुआ दौड़ फोन आया था, बुआ नौकरी एस पार आगे बुआ सी दी आई थी वैसे। वो भी बता रहे हैं पहले उसके दोस्त के यहाँ गया है फोन, दोस्त के यहाँ से फोन आया? नहीं, उसके दोस्त के फोन से फोन आया था, बात कर रहा था उसके फोन से फोन आया है। तो दोस्त जो साथ में थे उन्होंने कुछ नहीं बताया कि गिरा है क्या हुआ है? नहीं, हमने इस बात की तो हमें पता नहीं है, आगे पुलिस वाले कार्रवाई करेंगे जब पता लगेगी इस बात की। तो किसी से लड़ाई वगैरह, रंजिश वगैरह, दुश्मन? इस बात की भी कुछ पता नहीं है। क्या करता था ये? स्टोर में काम करता था, SRS में काम करता था। और परिवार में कौन? परिवार में मम्मी है, वाइफ है, और ये है बच्चे वगैरह कोई भी नहीं है। शादी कब हुई थी? शादी फरवरी में हुई थी। इसी साल हुई है? एक साल भी नहीं हुआ अभी शादी को। अच्छा, 2 बजे तक बात हुई है ना। फरीदाबाद आप देख सकते हैं, अभी शादी हुई थी, शादी को 1 साल भी नहीं हुआ, और रात में 2 बजे तक, जैसा बता रहे हैं परिवार वाले, रिश्तेदार बता रहे हैं, 2 बजे तक अपनी वाइफ से बात करी है, और सुबह 5 बजे करीब आपको पता चला? 5 बजे फोन पर आया था हमारे दोरे। 5 बजे करीब परिवार को पता चलता है कि विकास अब इस दुनिया में नहीं रहा, और अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है। छत से गिरकर जो मौत हुई है विकास की, और साथ में जो दोस्त थे, तीन दोस्त बताए जा रहे हैं, तीन दोस्त साथ में थे, उनसे भी अभी पुलिस की पूछताछ जारी है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अनमहत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।